वृंदाबेन तेरे को आवाज आ रही है वृंदा होमवर्क अच्छा फर्स्ट तीन लाख रुपए एज थर्टी इयर्स टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का टैक्स है ऐसा बोल रहे हो क्या हुआ नहीं आया तेरा अच्छा आया है सर ये कैसे किया तीन लाख तक करना था उम्र है तीस साल मतलब वो बुड्ढा नहीं है तो ढाई लाख तक माफ ढाई लाख के ऊपर आपको पचास हजार पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ पांच परसेंट तो ढाई हजार का आंसर बोला ओके सेकंड तेरह लाख बारह हजार पांच ऐसा कुछ बोली सर 50 लाख है 50 लाख के लिए मुझे सिंपल एक काम करना पड़ेगा इसकी उम्र देख लो सबसे पहले तो नॉन बुड्ढा है तो सर ढाई लाख तक माफ ढाई लाख से पांच लाख तक पांच परसेंट मतलब 12,500 फिर पांच लाख से लेके दस लाख तक 20 परसेंट मतलब एक लाख और उसके ऊपर दस लाख के ऊपर कितना अमाउंट बच गया चालीस लाख चालीस लाख का तीस मतलब एक लाख बीस हजर, इन सबको ऐड कर लो तो कितना आया टोटल इतना ही मतलब तेरह लाख बारह हजार पाँच सौ मैं वही पूछ रहा हूँ ए सॉरी बारह लाख हाँ मतलब एक लाख बीस हजार नहीं बारह लाख सॉरी तो आंसर आया ठीक है रुशिल क्या बात कर रहा है तेरह लाख रुपये अस्सी रुपये पे जीरो क्या बात कर रहे हैं मां कसम ऐसा कमाई करने को कोई दे दे वे मेरे को तो मैं भी कर लू लैक <laughs> वन लैख क्या हो गया इसको वन लैख नाइन्टी थाउजेंड ऐसा बोला कैसे कैलकुलेट किया वन लाख नाइन्टी थाउजेंड तेरह लाख तक अस्सी साल है अस्सी साल है सुपर बुड्ढा हो गया या बुड्ढा हो गया सुपर बुड्ढा हो गया सुपर बुड्ढे को तीन लाख तक माफ अच्छा पांच लाख तक क्या अच्छा पांच लाख तक माफ पांच लाख तक माफ करूंगा उसके आगे पांच लाख से दस लाख मतलब बीस परसेंट तो पांच लाख का बीस परसेंट मतलब एक लाख ठीक है तो साइड में लिख रख लिया लाख साइड में लिख लिया उसके ऊपर कितना बच गया तीन लाख तीन लाख का तीन परसेंट तीस परसेंट मतलब नब्बे हजार तो आ गया एक लाख नब्बे हजार ऐसे किया कैलकुलेट अच्छा देन पांच रुपए पच्चीस साल नील क्यों? क्यों क्यों? दो लाख पचास हजार तक का चाहिए था उसके ऊपर तक रहा तो टैक्स लगेगा उसके नीचे तो टैक्स नहीं लगेगा अच्छा तो इसका तुमने लिख लिया नील एंड लास्ट में तीन सौ लाख uh, वृंदा सॉल्व किया तूने होमवर्क किया भाई? वृंदा नहीं किया नहीं। एटी एट टेन थाउजेंड एटी एट लाख टेन थाउजेंड एटी एट लाख टेन थाउजेंड एटी एट लाख फिफ्टीन थाउजेंड अच्छा देख लेते लाख। उम्र कितनी थी इसकी 65 साल मतलब सेकंड बुड्ढा हो गया ना तो तीन लाख तक माफ तीन लाख से पांच लाख तक दो लाख पे पांच परसेंट दस हजार फिर पांच लाख से लेके दस लाख पांच लाख पे बीस परसेंट मतलब एक लाख और फिर दस लाख के ऊपर कितना है दो सौ नब्बे का थर्ड थर्टी परसेंट मतलब एटी एट लैक्स कर ले, 88, 89, 89,000, 89 लाख, 10,000, 10, 87 होता है 87 ले, ले 87, 000, तो 88, 000, बराबर, तो बराबर क्या गोची किया रे ठीक है ये तुम्हारे आंसर्स तुमने वहीं पे लिखे हुए ना ये आंसर गलत है तो बराबर है कैलकुलेशन सही मैं बोल रहा हूँ आंसर गलत है इनकम टैक्स माइनस करेंगे मतलब तूने कमाई किया तो गवर्नमेंट तेरे को पैसा लाके देगा अरे वाह वाह आपने कमाई किया ले लो हमारे तरफ से पैसा ले लो कैश सीख हमारे तरफ से गलत इस तरीके से है कि गवर्नमेंट बोलता है अगर आपकी कमाई पांच लाख रुपए तक की है अगर आपकी कमाई पांच लाख रुपए तक की है तो आपको बारह हजार पांच सौ दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का रिबेट मिलेगा रिबेट मतलब डिस्काउंट मैं मत, बता रहा हूं तेरे को सारे प्रोविजन एक साथ नहीं बताने थे इसके लिए जान पूछ के फर्स्ट क्वेश्चन वह दिया था आपको अंडर सेक्शन 87 ए अंडर सेक्शन 87 ए कैपिटल ए आपको रिबेट मिलेगा अप टू दी अमाउंट ऑफ 12,500 हजार अप टू इसमें ढाई हजार माफ है तो 12,500 लेस करके 10,000 गवर्नमेंट से मत मांग लेना इतने छोटे धंधे भी मत करना 12,500 तक का टैक्स गवर्नमेंट माफ कर देगी बारह हजार पांच सौ कैसे अरे क्योंकि ढाई लाख से पांच लाख के बीच में कितने का स्लैब आता है पांच परसेंट का और कितना होता है पांच परसेंट ढाई लाख का बारह हजार पांच सौ बेसिकली तुम पांच लाख तक कमाई करोगे तो तुमको किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं आएगा किस में फिफ्टी लैक्स है ना पांच लाख के ऊपर चला गया रिबेट नहीं मिलेगा अगर तुम्हारी कमाई छह लाख रुपए तो तुमको रिबेट नहीं मिल सकता अगर तुम्हारी कमाई है ही पांच लाख रुपए तक की तो तुम रिबेट ले सकते हो पांच लाख एक रुपए है रिबेट भूल जाओ एग्जैक्टली बनाया क्यों फिर एक रुपए एक्स्ट्रा कमा के लिया तुमने तो मेरा छीन लिया बारह हजार पांच सौ का रिबेट कैसे नहीं बताएगा बैंक में आएगा तो कैसे छुपाएगा ऐसे हाथ रख देगा उसके पे आए नहीं मेरे पास एक रुपए तो उस टाइम पे आप जाओगे डिडक्शंस की शरण में एक रुपए डोनेट कर दो उसका डिडक्शन क्लेम कर लो मंदिर को दे, उसमें बहुत सारे डिडक्शंस है तो उसमें से एक डिडक्शन क्लेम कर लेंगे अपन कल अपन ने देखा था ना पीपीएफ में डाल दो अभी बात समझ में लॉजिक समझा चलो इसमें यहाँ पे लिखना इसके बीच में लिखना हाउ एवर इफ टोटल इनकम ऑफ असेसी इज अप टू फाइव लाख रुपीस, देन रिबेट विल बी अलाउड

क्लियर है तो वो जो तुमने फर्स्ट ये सॉल्व किया है यहाँ पे लिख देना हाउेवर टैक्स विल बी नील एज पर रिबेट अंडर सेक्शन रिबेट कौन से सेक्शन में 87 सेवन ए आई होप क्लियर अब ना दिक्कत क्या है मैं पांच लाख रुपए तक का कमाऊं तो मेरे को टैक्स माफ हो जाता है मैं कौन हूं मतलब मैं मैं अकेला इंसान सी राहुल गांधी ठीक है मैं अगर पांच लाख तक का कम हो तो मेरे को टैक्स नहीं लगता है ये रुशिल इसकी कमाई आठ लाख रुपए की है तो ये दो स्लैब में फंस जाता है एक पांच परसेंट के एक बीस परसेंट के निकाल देना रे पांच परसेंट के और बीस परसेंट के करेक्ट निशा पंद्रह लाख रुपए कमाती है तो वो तीन स्लैब में फंस जाती है पाँच परसेंट के भी बीस परसेंट के भी और तीस परसेंट के भी तो मेरी जेलसी और बढ़ती जाती कि यार मेरे से जितना टैक्स ले रहे हो उससे भी उतना टैक्स ले रहे हो दिक्कत वहां पर भी नहीं है एक बार की वो बात मैं एक बार का डाइजेस्ट कर लू लेकिन चोरडिया जी जो करोड़ रुपए कमाते हैं वो भी साले उतना ही टैक्स भरते जितना मैं भरता हूं मतलब स्लैब तो दोनों के सेम जा रहे हैं ना पांच का बेनिफिट उनको भी मिल रहा है बीस का बेनिफिट उनको भी मिल रहा है और तीस का बेनिफिट भी उनको भी मिल रहा है जो मेरे को मिल रहा है वो उनको मिल रहा है ऐसा थोड़ी है ज्यादा पैसा कमाते हो ज्यादा टैक्स देना चाहिए तो उसके लिए लाया सरचार्ज सरचार्ज विल बी पेड बाय दोज हु अर्नस मोर तो जिसने भी पचास लाख रुपए तक कमाया उसको किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं है टैक्स लगेगा भाई साहब सरचार्ज की बात कर रहा हूं सरचार्ज एडिशनल फटका है पचास लाख तक की आप कमाई करते हो आपको किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा इंडिविजुअल में हूं मैं सर लेकिन अगर आपकी कमाई 50 लाख से बढ़ गई एक करोड़ तक मतलब 60 लाख पैंसठ लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख एक करोड़ तक तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा एडिशनल 10 परसेंट मतलब 30 परसेंट प्लस 10 परसेंट नहीं जो आपने टैक्स निकाला उसका 10 परसेंट आप 30 परसेंट ऑफ योर इनकम निकाल रहे हो मैं सरचार्ज इनकम पे नहीं लगा रहा हूं देख ले इसलिए नीचे दिया हुआ लिख के सरचार्ज हमेशा टैक्स पर लगता है ना कि इनकम पर ये गलती तुम हमेशा एग्जाम में करके आने वाले हो मस्त निकाले अपने थर्टी परसेंट एक काम करते ना ऐड कर लेते दस परसेंट ढाई लाख तक में आप ढाई लाख से पांच लाख तक बीस परसेंट उसके आगे चालीस परसेंट काका जी की टांग मारूंगा उठा के सरचार्ज टैक्स पर लगाना है ना कि इनकम पर अगर आपकी कमाई कमाई और एक कमाई है एक करोड़ तक टैक्स एक करोड़ का नहीं आ सकता तुमको सालो एक करोड़ का टैक्स मतलब तुम्हारी कमाई कितनी होगी सोचो तुम्हारी कमाई अगर 50 लाख से एक करोड़ के बीच में है तो तुमको दस टक्के सर चार्ज देना है अगर तुम्हारी कमाई एक करोड़ से और ये स्लैब नहीं है ये कोई स्लैब पे नहीं चल रही पहले पंद्रह लगेगा, लगेगा, लगेगा। नॉर्मल है अगर आपकी कमाई एक करोड़ से ज्यादा लेकिन दो करोड़ तक की है तो आपको सरचार्ज लगेगा पंद्रह परसेंट का अगर आपकी कमाई दो करोड़ से ज्यादा लेकिन पांच करोड़ के अंदर है तो आपको सरचार्ज लगेगा पच्चीस टक्के का और अगर आपकी कमाई पांच करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा थर्टी सेवन परसेंट का है थोड़ा कंसेशन कौन लेकिन अंबानी अकेला टैक्स भरता ना वो कंपनी के फॉर्म में भरता है अंबानी इंडिविजुअल नहीं है ना हम तो इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं। तू अगर 500 करोड़ कमाएगा तो तू बोल सकता कि मटिस में अटक गया लेकिन अंबानी रिलायंस कमाता ना कि अंबानी कमाता है तो रिलायंस के लिए टैक्स कंपनी का लगेगा ना कि इंडिविजुअल का हम इंडिविजुअल में वो भी ओल्ड रेट्स जब हमारी निर्मला जी ने तीन मिनट तक सोचा नहीं था तब की बात चल रही अभी और, है।, अभी और है ना इसलिए तो बोला था आज का लेक्चर मिस मत करना वृंदा ते को आ रहा है समझ में Okay. आया ख्याल में यहां तक ये याद रखना सरचार्ज हमेशा टैक्स पर लगेगा इनकम पर नहीं सब सही चल रहा था निर्मला जी ने पूरे तीन मिनट तक चिंतन किया और तीन मिनट चिंतन करने के बाद में उन्होंने एक नई स्कीम लाई बोले तुम इतना टैक्स क्यों भर रहे हो मत भरो को नहीं अच्छा लग रहा है कि तुम इतना 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 टैक्स भर रहे हो निर्मला जी बोलते इतना टैक्स क्यों भर रहे हो यार मैं तुमको है ना सहूलियत देती हूं तुम एक काम करो तुम्हारे स्लैब्स में बढ़ा देती हूं तुम क्या करो ना ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं भर रहे थे आज भी मत भरना

ढाई ढ लाख से स्लैब बढ़ रहा है पच पांच परसेंट से रेट बढ़ रहा है साढ़े सात से दस कमाओगे खाली पंद्रह का देना आइडियली दस तक अगर मैं चले जाता तो मेरे को फ्लैट ट्वेंटी परसेंट लग रहा था यहां पर दो स्लैब में गिरा दिया उसने दस परसेंट पंद्रह परसेंट फायदा हो गया ना मेरा अगर तुम दस से लेकर बारह लाख तक साढ़े बारह लाख तक कमाते हो तो मेरे को खाली बीस टक्का देना आइडियली अगर मेरा पहले बारह पांच सौ था तो थर्टी परसेंट पे आ जाता था मैं लेकिन यहां पर साढ़े बारह परसेंट का सॉरी बीस परसेंट का मिल गया अगर तुम साढ़े बारह लाख से पंद्रह लाख तक कमाते हो तो हमको खाली पच्चीस टक्का देना ढाई लाख आगे पांच परसेंट आगे ढाई ढाई लाख का ब्रेक है का आगे आगे जा रहा, है। और अगर तुम पंद्रह लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो मेरे को थर्टी परसेंट देना तीन मिनट में तो ऐसा ही सोच सकता है इंसान मार्केट बड़ा खुश हुआ उस दिन लोगों को बड़ी मजा आई जैसे उनके मुख से ये स्वर्ण अक्षर बाहर आए ये जो मीठे बोल उन्होंने बोले मार्केट थॉट से रिएक्ट कर दिया शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं मस्त लगा लोगों को अरे क्या बात है इंडिविजुअल का टैक्स बचेगा भाई साहब इंडिविजुअल का टैक्स बचेगा तो वो सेविंग करेगा वो सेविंग करेगा तो मार्केट में डालेगा मार्केट में डालेगा तो डिमांड ज्यादा होगा तो सब डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा भाव बढ़ेगा लोगों ने यह सोचकर धड़ाधड़ स्टॉक बाय करने शुरू किए मतलब लिटरली स्टॉक बाय करना शुरू नहीं किया बट इट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट इन मार्केट अभी तक वो स्पीच पढ़ रही है वहां वो ऐसा चश्मा एडजस्ट कर ही रही थी तो उन्होंने बोला आई एम नॉट फिनिश्ड रुको जरा रुको आप मोदी राज में हो अच्छे दिन आएंगे पेपर पर होता है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं तू गिरा दे एक बार का सब ये सारी चीजें काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है आपकी खुशियां जो है ये इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है अगर आपको नए स्कीम के अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट अवेल करना है तो आपको अपने सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे तो आप पीपीएफ में पैसा डालोगे भी तो आपको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा आप सी से ए तक जितने भी डिडक्शन है उसका बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो तो क्या फायदे की बात हुई उल्टा नुकसान हो गया मार्केट सीजन नीचे आ डिडक्शन so, मतलब तू मतलब, एक बार कल का सेशन कल का लेक्चर देखा तूने पूरा डिडक्शन हाँ। मैंने बताया था चैप्टर सिक्स ए के अंडर आता है पीपीएफ में पैसा भरो गोल्ड बॉन्ड्स लो नाई बॉन्ड्स आरईसीएल बॉन्ड्स ऐसे अलग अलग ये सारे जो होते हैं इनको बोला जाता है अगर आप ये स्कीम अवेल कर रहे हो तो आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको पैसा डालना आप डाल सकते हो हमको हमने आपको पैसा डालने से रोका नहीं है लेकिन आपको बेनिफिट क्लेम करने हम नहीं देंगे तो वहां जो आप डेढ़ लाख रुपए भरते थे वो डेढ़ लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर मेरी कमाई सपोज छह लाख रुपए है फॉर एन एग्जांपल अगर मेरी कमाई छह लाख है और मैं डेढ़ लाख रुपया पीपीएफ में डाल रहा हूं तो छह लाख में इनकम टैक्स आएगा क्या मेरे को रिबेट मिलेगा ना गधेड़ो पांच लाख तक तो वैसे टैक्स नहीं लगने वाला है ना टैक्स कैलकुलेट करोगे फिर एवन ए का अंदर रिबेट ले लोगे तो आइडियली मेरे को टैक्स लग रहा है क्या नहीं लेकिन अगर मैंने न्यू स्कीम लिया तो छह लाख पे टैक्स आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि वो डेढ़ लाख पीपीएफ का मेरे को मिलने वाला है क्या तो फायदा है कि नुकसान है तो सर लाए क्यों लॉलीपॉप है। कि हमने कुछ नया लाया जस्ट लाइक आई ट्वेल्व लॉलीपॉप कुछ नहीं नया लाना था कुछ नया है वह बोलना था तो बोल दिया और दस चीजें छीन ली ख्याल में ये न्यू रिज्यूम है ये आपको लर्न करना है अभी के अभी इसके रेट्स लर्न करो सारे क्या हुआ बोल बोल हाँ हाँ लर्न कर लर्न कर घर के लिए थोड़ी टाइम दूंगा भगवान जाने घर जाके करेगा नहीं करेगा मैं इंडिविजुअल में हूं तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए था सर उम्र क्या ये किस उम्र के लिए बात कर रहे हैं ढाई लाख से पांच लाख इन ऑल मतलब तीनों के लिए सेम ये तीनों के लिए सेम है यहाँ पे कोई अलग अलग रेट नहीं है कि तुम बुढ़े हो क्या तुम सुपर बुडे हो क्या तुम जवान हो क्या सबके लिए कॉमन रेट है एग्जैक्टली तो तो exactly. और नुकसान है सुपर बुड्ढा तो पांच लाख तक भर ही नहीं रहता ये भाई साहब को तो ढाई लाख से आ गया फॉलो नहीं होता यू हैव दी ऑप्शन आप पुराने से भी कर सकते हो नए से भी कर सकते हो आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हो लेकिन नया वाला करना है तो डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे पुराना वाला करना तो अभी भी ले सकते हो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं क्या कि नहीं नहीं तुमको तो लेना ही पड़ेगा आईफोन ट्वेल्व हमने लॉन्च किया तुम खरीदोगे नहीं ऐसा कैसा होगा खरीदो ऑप्शन है लेना है तो लो नहीं तो पुराने वाले से खुश रहो फोन की बात कर क्लियर हुई बात कोई दिक्कत पक्का एल टी ए अच्छा नीचे घुस गया क्या तू हाँ अभी चलेंगे फिर आते हैं नीचे लिखा हुआ है मैंने कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा हियर इज द लिस्ट ऑफ एग्जामिशन एंड डिडक्शन दैट आर टैक्स पेयर विल हैव टू गिव चूजिंग न्यू टैक्स रिजिम उसको एल टी ए नहीं मिलेगा वहां पे लिख देना लीव ट्रेवल अलाउंस लिख तो सही अभी हम बहुत बेसिक्स में ना आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तब तुमको चीजें समझ में आएगी कि क्या होता है लीव ट्रेवल अलाउंस जो भी लोग सैलरीड होते हैं उनको उनका एम्प्लॉयर हर चार साल में दो बार बाहर घूमने भेजता है खुद के पैसों पर उसके लिए जो आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं लीव का ट्रैवल करने का अब फ्लाइट भी जाते हैं लोग उसका बिल सबमिट करना पड़ता है या इसे खुरापाती तेरे दिमाग लगता है ना इसके लिए उनको ऐसे सब डिडक्शन लाने पड़ते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस सेकेंड है एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस सर मैं तो अमरावती का हूं मैं रिलायंस कंपनी में जॉब करता हूं रिलायंस कंपनी ने मेरी शिफ्टिंग मुंबई कर दी यहां पे मेरे को अमरावती में दस हजार की पगार थी मुंबई में दस हजार की पगार देंगे तो मेरे को वहाँ का मंदिर ढूंढना पड़ेगा दस दिन बाद में कटोरा लेके वही बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का दस हजार और वहां के पचास हजार सेम होते हैं यहाँ के दस और वहां के दस सेम नहीं हो सकते हैं यहाँ का ऑटो वाला बेचारा भावताव करके लेके चला जाएगा भैया थोड़ा छोड़ दो ना वो बाजू में सीट में बिठा देगा मुंबई वाला मीटर डाउन करेगा और गोल गोल घुमा के लेके जाएगा तो मैं क्या करूं जॉब छोड़ दू नहीं रे तेरे को वहां पर रहने का खर्चा भी कंपनी करके देगी वहां का जो रेंट है वो गवर, गवर्नमेंट बोल रहा हूं सॉरी एम्प्लॉयर पे करेगा हाउस रेंट अलावेंस तो आपको ये जो बेनिफिट मिलता है ये भी छोड़ना पड़ेगा हाँ बट ऑफकोर्स तू तो साले, ताज होटल बुक करेगा तो 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 हाँ करेक्ट हैदराबाद नहीं ये सब जगह पे ऑल ओवर इंडिया पे ये सब 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 सब, सब। तू सिर्फ सामान लेके जाएगा दुल्हन जैसा बाकी सब कुछ फ्री है तेरे को पे सब सामने वाले का खर्चा है। तीसरा कन्वेंस कन्वेंस मतलब सर हम आपकी क्लास में इतने दूर से आते राजा पेट आने जाने का पेट्रोल कितना लगता है थोड़ा तो पैसा दो हमको वापस कन्वेंस तो आप जॉब के लिए ऑफिस से ऑफिस से ऑफिस पे आते हो घर से तो किसी किसी का घर 500 किलोमीटर दूर होगा सच में नहीं होगा 500 किलोमीटर बोलने की बात है बट अगर बहुत दूर होगा कि सपोज वो ए पॉइंट पर रहता है और ऑफिस बी पॉइंट पर है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है रोज ओला कैब करके आता है ऑटो करके आता है तो इसका खर्चा कौन देता था कंपनी देती है यह खर्चा भी आपको छोड़ना पड़ेगा मतलब इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो इस पर टैक्स लगेगा सैलरी जब पड़ेंगे तब समझेंगे उसको डेली एक्सपेंसेस इन एम्प्लॉयमेंट रिलोकेशन अलावंस आपको अगर कहीं पर लो, रिलोकेट किया उन्होंने आप यहां से उठ के चंडीगढ़ चले जाओ तो ये जो री रीअलोकेट किया तो आपका सब चेंजेस हो गया इसमें आपने यहाँ पे सब करकुरा के रखी थी अपनी चीज़ें अपने बच्चों की स्कूल यहाँ पे रखी थी अब वो चंडीगढ़ में जाओगे तो बच्चे को भी लेके जाओगे साथ में तो उसके स्कूल चेंज करना पड़ेगा बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है यहाँ पे आपने वाईफाई का एक साल का बिल दे के रखा था वहां जाकर नया वाईफाई खरीदना पड़ेगा तो री रिलोकेट हो रहे हो आप तो उसके लिए जो अलावंस आते हैं उसका अलावंस हेल्पर अलावंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस बच्चे को पढ़ाने का अलाउंस तुमको हमारा एम्प्लॉयर देता है दे दे। सौ रुपया महीना मिलेगा तेरे को मैक्सिमम दो बच्चे तक तेरे पच्चीस होंगे तो पच्चीस सौ रुपये नहीं देते बैठेगा वो मैक्सिमम दो बच्चे तक सौ रुपया महीना मिलेगा तेरे को तो जो है वो है इसलिए तेरे को बड़े मजे दिख रहे थे इसमें <laughs> फिर प्रोफेशनल टैक्स बाद में पढ़ेंगे क्या होता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर कॉन्सेप्ट समझ लो वहां पे आगे लिख देना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर अप टू टू लैक्स फॉर एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सर ये कहा है जब हम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तब मैंने बोला ना पूरे इनकम टैक्स का सार ये एक चैप्टर में है बट अभी अपन पढ़ लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि अपने को पढ़ना क्या क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अब कॉन्सेप्ट समझो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या ये मेरा घर है ये मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूं या रहने के लिए अभी की बात छोड़ दो आइडियल केस में रहने के लिए दिस इज माई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आरजी क्लास इज ऑल्सो वन ऑफ माई प्रॉपर्टीज लेकिन वो मैं वहां पे रहता हूं क्या रोज ब्रश वगैरह वहां जाके करता हूं क्या वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है मेरा वो मेरी बिजनेस एसेट है अब तुम कभी भी कोई सीए के पास जाओगे या सीएस के पास जाओगे और उसको तुम पूछोगे कि मेरे को एक घर बनाना है बट अफकोर्स वो इतना हौला तो है नहीं कि पूछेगा अच्छा तुम वहां रहोगे कि बिजनेस करोगे घर में रहता ही है इंसान कोई भी ठीक है मुझे एक घर बनाना है तो मैंने बैंक से लोन लेना चाहिए क्या हाँ या ना आइडियली तेरे को क्या लगता है मैंने लोन लेना चाहिए तुम्हारे सबके जेब में मैंने मोदी जी ने मैंने मतलब मोदी जी ने एक एक करोड़ रुपए डाले हुए बैंक में सबको एक एक करोड़ रुपए दिया हाँ कुछ बोली वृंदा मोदी जी ने सबके बैंक अकाउंट में एक एक करोड़ रुपए अलके के रखे तुमको घर बनाना है पचास लाख रुपए तक का या साठ लाख रुपए तक का बोल लोन लेगी बैंक से लोन लेगी क्यों अच्छा मालपानी जी को क्या दिक्कत है यार तो, दे दे मोदी जी ने पैसे ऐसे ही दिया फ्री में जाओ खर्चा करो फिर लोन का आगे ले लेंगे फालतू बैंक को उन ब्याज भरते बैठेगा इतनी अक्ल किसने सिखाई हमको कि खुद का पैसा ना वापरते हुए दूसरे का पैसा वापर रहे और उसमें उसको ब्याज दे रहे बेवकूफ है क्या लोन पे टैक्स लोन पे तो वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा ना टैक्स तो इनकम पर लगता है लोन इनकम थोड़ी है बोल भाई आ, कम क्या दस टक्का है साठ लाख रुपए में दस टक्का मतलब छह लाख रुपए साल हो गया उत्तर लोगों की पगार होती है साल भर की नहीं लेगा ना लोन चोरडिया जी बोलते लोन होना तो बोलो मैं देती फालतू तो बातें नहीं करना लोन वोन नहीं समझता हमको डिक्शनरी खरीदी थी लोन वाला निकाल दिया मैंने उसमें का छोटी बातें नहीं करना मेरे सामने अगर तुमने बिना लोन के घर बनाया ना तो कोई भी इंसान तुमको बेवकूफ बोलेगा क्यों लोन का जब मैं रीपेमेंट करूंगा तो मेरे को दो चीज का रीपेमेंट करना पड़ेगा एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट बराबर है एज पर सेक्शन 24 फोर सबसेक्शन बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है फॉर बिल्डिंग योर ओन हाउस प्रॉपर्टी उस लोन के ऊपर का जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका दो लाख रुपए तक आप अपने बुक्स में खर्चा बता सकते हो जितना आप खर्चा बताओगे उतनी इनकम कम होगी जितनी इनकम कम होगी उतना टैक्स बचेगा हाँ तू ब्याज छह लाख रुपए का दे उससे फर्क नहीं पड़ता माफ दो लाख तक ही होगा बट होगा ना साल का साल का और यह बात किया मैंने ब्याज की प्रिंसिपल भी अगर तुम रीपेमेंट करते हो तो अंडर सेक्शन 80 सी तुमको उसका बेनिफिट मिलता है टू डेढ़ लाख रुपए जिसमें पीपीएफ वाला सेक्शन था ना वो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है डेढ़ लाख रुपए तक का मतलब दो लाख यहाँ के बचे और डेढ़ लाख यहाँ का बचा हर साल, हर साल साल जब जब तू प्रिंसिपल का रिपेमेंट करेगी तब तक तेरे को छूट मिलेगी अप अप टू टू अपटू अपना दो सौ रुपया रिपेमेंट करेगा तो डेढ़ लाख नहीं मिलेगा बैंक से मांगेगा क्या पैसा अप टू डेढ़ लाख बट ऑफकोर्स आई बात कुछ समझ में तो मेरे को एक बात बताओ तुमने साढ़े तीन लाख रुपए बचाए क्या अपने साढ़े तीन लाख का टैक्स बचाया तुमने अपना याद रखना ऐसा मत बोलना मैंने साढ़े तीन का टैक्स बचाया अबे की कमाई उस पर लगने वाला टैक्स तूने बचाया डिपेंड करता है कि तू कौन से स्लैब में सपोज दस परसेंट का स्लैब में एग्जाम्पल ले रहा हूं दस परसेंट का स्लैब पुराने इसमें तो है नहीं नए इसमें आ गया है नए इसमें कितने पाया दस परसेंट थर्ड बोले तो क्या से देखो क्या है पांच से साढ़े सात है ठीक। तो अगर दस परसेंट से तुने पैतीस हजार का टैक्स सेव किया अपना तो बाहर जाके ये मत बोलना मैंने साढ़े तीन लाख की सेविंग किया पैंतीस हजार की सेविंग किया तूने बात समझ में आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा अगर आपको न्यू रेजिम में आना है तो ये एग्जामेशन भी आपको छोड़ना पड़ेगा अंडर ट्वेंटी फोर बी सर वॉट इफ सर मेरा एल है एल पे भी तो ब्याज ले सकता हूँ ना एल ओ लेट आउट प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी लेट आउट रेंट पर दिया मैंने एक बिल्डिंग बनाई और रेंट पर दे दी तो वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी तो ब्याज ले सकता हूँ ना मैं आई I मीन mean, लोन ले सकता हूं ना उस पर तो कितना भी इंटरेस्ट दो सब माफ है हाँ म्यूनिसिपल टैक्स आएगा ना तेरे को इनकम आएगी ना तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा इनकम कहाँ से आ रही है तेरे को मेरे पापा खुद को इनकम थोड़ी देते होंगे ये ले अनिल गांधी ये तेरे दस हजार रुपये इस महीने का भाड़ा ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई इंसान लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है और मैंने तेरे को दिया तो तू मेरे को दस हजार रुपया महीना देगा ना तो गवर्नमेंट पूछेगा ना ये दस हज़ार किधर से आया ऐसे थोड़ी ऐसा बैठे बैठे दस हजार आ गए यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन टू द गवर्नमेंट तो उस टाइम पे तुमको बताना पड़ेगा कि ये मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी थी दूसरा बेनिफिट लोन का जो सब लोग करते हैं पाप है बट सब करते हैं। पुण्य कमा के कौन इतना ऊपर गया है जो अब जाएगा हाउसिंग लोन मिलता है एट परसेंट सेवन परसेंट सिक्स परसेंट ठीक है तुम्हारे पास में एक करोड़ रुपया है फिर भी तुम जाते हो बैंक में और बोलते हो मेरे को साठ लाख रुपए दो मैं बहुत गरीब मेरे को घर बनाना है बैंक ने तुमको साठ लाख रुपए दे दिया एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट सेवन परसेंट एट परसेंट एवरेजली सेवन परसेंट लेते हैं एस का रेट एट परसेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट एट परसेंट है मैं सात परसेंट लेता हूँ सात परसेंट पे ले लिया तुम्हारे पास में साठ लाख रुपए आ गए तुमको वो पैसों की जरूरत थी क्या तुमने उठा के उसको होंडी चिट्ठी बना के बाजार में लगा दिया वहाँ पर चिट्ठी चलती है अठारह परसेंट पे साल का को तो पता ही होगा चिट्ठी लेने वाले सिंधी चोते सारे 18% ना? क्या है एग्जैक्टली exactly. तो लोग क्या करते हैं पैसे की जरूरत है ही नहीं ना तो सर ऐसा क्यों नहीं करते है? हम बिना घर बनाए ले, ले लेते हैं ऐसा नहीं होता वो इतना पगला नहीं है वहां पे। वो प्रूफ मांगेगा घर बनाएगा वो आके इंस्पेक्शन करेगा

तुमको सारे डिडक्शन ऑफ चैप्टर सिक्स ए छोड़ने पड़ेंगे एक्सेप्ट टू डिडक्शन एट्टी सी सी डी एंड एट्टी double जे डबल ए एट्टी डबल जे डबल ए एक मिनट एक मिनट एट्टी डबल जे ए ही रहने रहन दो अभी सर ये क्या है ये बहुत बड़ी पंचायती है इसको बाद में देखेंगे इसको मिलेंगे ये मिलेंगे क्या हुआ नहीं नहीं सेक्शन का नंबर है सीसीडी है एटीसी टू नेशनल पेंशन स्कीम है पढ़ेंगे बाद में एनपीएस बोलते उसको उसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो आपको यह छोड़ने के रिक्वायरमेंट नहीं है क्लियर है इसके साथ में अच्छा अब यह प्रैक्टिस वाला है प्रैक्टिस वाला अपन बाद में करेंगे अभी पहले थोड़ा आगे चल लेते हैं प्रैक्टिस में तुमको होमवर्क जो दूंगा वो प्रैक्टिस वाले इसमें पार्ट में लिखना चलो यहां तक हुआ मेरे को फटाफट इंडिविजुअल का पढ़ के दो लर्न करके चाहिए यहाँ तक का पूरा अभी तक जितना अपन ने किया उतने पूरी चीज़ हाँ सब कुछ सब कुछ करना ही पड़ेगा Hello. हम ऊपर में थे तुमको याद होगा तो इसमें थे डेफिनेशन ऑफ पर्सन में अरे है ना तुम्हारे इसमें डेफिनेशन ऑफ पर्सन उसमें का इंडिविजुअल वाला पार्ट अपन ने कर लिया करेक्ट है इंडिविजुअल पार्ट में अगर तुम बोलोगे तो इंडिविजुअल पार्ट में अपन ने देखा सर इसमें इंडिविजुअल पार्ट में दो होती है एक ओल्ड टैक्स है और एक न्यू टैक्स है सर ओल्ड की अगर हम बात करें तो ओल्ड में बेसिकली तीन टाइप के लोग हो सकते हैं एक ऐसा इंसान जो साठ से नीचे हो एक ऐसा जो 60 से ऊपर ले 80 तक 79 तक हो और एक है जो 80 या के ऊपर हो उसका अपने टैक्स रेट देखा फिर उसके ऊपर अपने सरचार्ज देखे hmm. करेक्ट 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं 50 लाख से एक करोड़ तक 10 तक का एक करोड़ से लेके दो करोड़ तक 20 तक का दो करोड़ से लेके पाँच करोड़ तक 25 परसेंट और पाँच करोड़ से ऊपर बोले तो थर्टी सेवन परसेंट का सरचार्ज रहेगा करेक्ट है ठीक है ये हो गया ओल्ड वाला उसके बाद में हमने देखा न्यू वाला रेजिम न्यू वाला रेजिम बोलता है सर इसमें कोई उम्र उम्र की बातें मत करो दिल तो जवा है उसकी बात है वो सस्ता अस्सी साल का भी हो तो भी जवा है सत्तर साल का भी हो तो भी जवा है पचास का भी हो तो भी जवा है बीस का हो तो भी जवा है, भी जवा है।, भी जवा है।, भी जवा है। हम बुड्ढे एंड सुपर बुड्ढे में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं हमारा टैक्स रेजिम बहुत सिंपल है ऐसा उनको लगता है सर ढाई लाख तक तो हम पहले भी टैक्स नहीं ले रहे थे आज भी टैक्स नहीं लेंगे हम ढाई लाख से लेके पांच लाख तक पांच टका लेंगे पांच से लेके साढ़े सात तक दस लेंगे साढ़े सात से लेके दस तक पंद्रह लेंगे दस से लेके साढ़े बारह तक बीस लेंगे साढ़े बारह से पंद्रह तक पच्चीस लेंगे और पंद्रह के ऊपर तक क्लियर है और इसके ऊपर सरचार्ज सेम जो ऊपर था वही नीचे सरचार्ज सरचार्ज में कोई चेंजेस नहीं है सर क्या यह चीज और किसी को अप्लीकेबल है इंडिविजुअल के साथ में एच को भी है? सेम सेम सेम। कोई फर्क नहीं है तो बेसिकली एक तीर दो निशान मैंने इंडिविजुअल पढ़ लिया एचयूएफ पढ़ लिया क्या सेम 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 कॉपी पेस्टेड कॉपी पेस्टेड कॉपी पेस्ट फिर मैं आ गया कंपनी पे कंपनी दो टाइप की एक डोमेस्टिक कंपनी एग्जांपल, एग्जांपल, करेक्ट और एक रहेगा फॉरेन कंपनी एग्जाम्पल हाँ हुंडई हुंडई ओके हुंडई एमेजोन और एप्पल सर कुछ भी बातें कर रहा हूँ इंडिया में एप्पल नहीं अरे है अरे गधेड़ कंपनी इंडिया की थोड़ी है कंपनी तो बाहर की है ना इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है यहां से पैसा उठा के अपने कंट्री में लेके जा रहा है इंडिया की थोड़ी होगी कंपनी है ना डालता की कंपनी स्लैब रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी पढ़ना है इसमें टोटल चार टाइप की कंपनीज है पहली ऐसी कंपनी जो कवर होती है अंडर सेक्शन 115 ए बी में एक सेक्शन आज पढ़ा अपन ने कोई तो भी आज एक कोई तो भी सेक्शन पढ़ा अपन ने इसके पहले 87 ए क्या था वो रिबेट कितना अमाउंट का मिलता है 12500 कब तक कब मिलेगा जब आपकी कमाई पांच लाख से कम हो या ज्यादा हो कम 5 पांच लाख तक की हो मतलब पांच लाख या उससे कम हो सर फोर लाख नाइन्ड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइंटी नाइन पैसे हुई तो चलेगा रे सर एक्जैक्ट पांच लाख है वो पचास पैसा डन कर तो बेसिकली तेरे को तो फायदा नहीं चुआ ना उसका क्लियर है निशा भारती की भारती निशा निशा भारती, निशा भारती। पहली कंपनी जो अंडर सेक्शन 115 बाब में आती है बाब बी बी लर्न तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा सेकंड ऐसी कंपनी जो बा में आती है पहली बाब में आई 115 बाब दूसरा 115 बा तीसरी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर इन दी फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कुछ गलत बोल दिया क्या अगर दोनों को सेम बोल दिया तो सत्रह अठारह ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह अठारह वाले साल में कि आपका टर्नओवर खाली चार सौ करोड़ तक का ही था तो ऐसी कंपनी के लिए टैक्स अलग क्योंकि उस टाइम पर वो एक्ट आई थी प्रोविजन आया था और इसके अलावा और अदर कोई कंपनी आइडियली एक चीज याद रखना कंपनी पे थर्टी परसेंट का टैक्स लगता है फ्लैट वॉट डू मीन बाय वर्ड फ्लैट इसको कोई स्लैप फैप नहीं मिलेगा सर इसने खाली एक करोड़ कमाया तीस टक्का सर इसने पाँच सौ रुपया कमाया तीस टक्का सर खाली दो सौ रुपया कमाए तीस टक्का सर मैं बोलता हूं सिर्फ छः पैसा कमाया तीस टक्का मेरे को फर्क नहीं पड़ता तो कितना भी कमाता हूं जितना कमाया उसका तीस टक्का दे दे बात खत्म कर दे फ्लैट इंडिविजुअल में रो रोना कंपनी में रोना ही नहीं है कंपनी की बैलेंस शीट निकाल लो कितना कमाया इस बार तूने प्रॉफिट सौ करोड़ का हाँ तीस करोड़ का टैक्स आएगा ख़त्म कैलकुलेटर की काम ही नहीं है थर्टी परसेंट कर लेने का और सर फॉरेन कंपनी को चालीस टक्का इंडिया में आकर हमारा काम करके हमारे कंपनी का रिसोर्सेस यूज करके जा रहा है ज्यादा टैक्स पर कौन सी कौन सी एनी कंपनी ऐसी कंपनी जो वन वन फाइव बा में आती हो वो अलग कंपनीज है और जो ये तीन में नहीं आती वो चौथे में आएगी हा? कैसे पता चलेंगे वो देख नीचे ए बी सी डी चार कॉलम करके दिए तुमको मैंने अब एक एक को विस्तार में पढ़ेंगे। पहले तो ऐसी कंपनी पढ़ेंगे जो 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 मैन्युफैक्चरिंग हो सबसे पहला क्राइटेरिया आ गया मैन्युफैक्चरिंग हो एमेजोन नहीं आ सकती मैन्युफैक्चरिंग नहीं है एप्पल आएगी क्योंकि manufacturing हो, मतलब जो बनाता सबसे पहले 115 बाब में वही कंपनी आएगी जो मैन्युफैक्चरिंग हो अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ये सेक्शन तुमको अप्लीकेबल नहीं है कंपनी वाले रोते 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 हमारे सीता माँ के पास गए कि ओ सीता मैया मैं तुम्हारे राम जैसा नहीं हूं तो क्या हुआ लेकिन मैं तुम्हारे हनुमान जैसा हूं प्लीज थोड़ी मेरी भी मदद कर लो हम कंपनी है हमको थोड़ा सा तो हमको बेनिफिट दीजिए तो हमने एक काम किया सीता जी ने पूरे दो मिनट तक सोचा और बोला ठीक है तुमको बेनिफिट देंगे हम आज से कंपनी डोमेस्टिक कंपनी में चार कंपनी को डिवाइड कर देंगे कंपनी ए बी सी डी कंपनी डी को सबसे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तीस टक्के का और ए बी सी में थोड़ा कम कम टैक्स लगाएंगे अब डिपेंड है कि तुम आते किस में हो अगर तुम आते ही डी में हो तो सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती अगर तुम एबीसी में आते हो तो तुमको बेनिफिट मिल जाएगा तो सर ए में उन्होंने एक नया सेक्शन लाया जिसका नाम है 115 बाब 115 बाब बोलता है क्यों तुम 30 टक्के का टैक्स देते हो मैं तुमको खाली 15 टक्का दूंगा ओनली 15% परसेंट टैक्स इंडिविजुअल से कम हो गया सर चार्ज लगेगा सरचार्ज लगेगा तो सर आइडियली सरचार्ज नहीं लगता क्या नॉर्मल कंपनीज को ये सेक्शन अभी अभी आया अभी अभी, अभी आया है ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे पोर्शन में है फर्स्ट टाइम आज के पहले तक तुम्हारे जो नवंबर में कोई दोस्त पढ़ रहा होगा उसको ये सेक्शन नहीं था ये सेक्शन तुम्हारे फाइनेंस एक्ट में अप्लीकेबल है तो सर उनको एक सौ पंद्रह बाब वगैरह कुछ नहीं था क्या उनको सरचार्ज नहीं लगता क्या पहले डी में आ जाओ दैट्स द मेन इशू आइडियली पहले ऐसा होता था डी जो कंपनी है देख लो टैक्स रेट कितना था खाली तेईस खाली नहीं तीस टक्के का लेकिन सरचार्ज सबको नहीं लगता था सरचार्ज तभी लगता था जब आपकी इनकम एक करोड़ से ज्यादा लेकिन दस करोड़ तक हो तो सात परसेंट का सरचार्ज लगता था और अगर आपकी कमाई दस करोड़ से ज्यादा है तो बारह परसेंट का सरचार्ज लगता था वो ठीक है ना वो छोड़ना आई बात समझ में ऐसा होता था उन्होंने निर्मला जी ने आपको उदारता दिखाई कि बोले तीस टक्का टैक्स कोई भरता है पागल है तू तीस टक्का कोई भरने की चीज है खाली पंद्रह परसेंट भरने का तुमने बड़ी खुशी से एकदम तीन सौ करोड़ कमा लिए उस दिन अरे माँ कसम आज तो कमा लिए हम एक चीज बोल भूल गई थी सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ टेन ऑफ टैक्स बोले ऐसा थोड़ी होता है मैंने सपोज मैं बोलता हूँ तीस लाख कमाया होगा तो बोले अरे मजा हो गया पहले तीस लाख का थर्टी परसेंट देना पड़ रहा था मेरे को नौ लाख ,00 रुपए इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा था अब खाली पंद्रह है। मजा है कितना साढ़े चार लाख रुपए सॉरी एक बुझना भूल गया सरचार्ज एडिशनल ऐसे थोड़ी सरचार्ज तो एक करोड़ के ऊपर लगता है कुछ नहीं दो रुपए भी कमाए तो सरचार्ज के साथ आएगा तो साढ़े चार लाख पे सरचार्ज लगाओ या नौ लाख पे सरचार्ज लगाओ आई I मीन mean, सॉरी तीस लाख पे लगाओ सर चार्ज टैक्स पर लगाना, ना होशियारी करके तीस लाख का दस टक्का एड मत कर लेना स्लैब में तो है ही नहीं अच्छा सर चार्ज का स्लैब नहीं।, नहीं वो तेरे को लगता है ना वो तेरे को लगता है क्योंकि तू सोच रही है ऐसा लोगों के लिए कि ऐसा नहीं है सर तेरे को दुख हो रहा है उनको मजा आ रही है ठीक है हाँ, सब याद करना है भाई साहब ऑप्शन का लिखा ऑप्शनल है।, है आपको चाहिए आप ले सकते हो इसका बेनिफिट नहीं चाहिए छोड़ दो हमने आपको कोई जबरदस्ती नहीं किया तुम तीस नहीं तुम तीस में मत भरो तुम पंद्रह में भरो ऑप्शन आपके पास जहां ऑप्शन आया वहां पे क्या करने वाला है वो चीजें छीनने वाला है तुमसे ये सारी चीजें तुमसे छीन लेगा इतने बेनिफिट्स तुमको आइडियली मिलते थे अगर तुम तीस तक टैक्स भरते थे तो ये सारे बेनिफिट्स तुमसे छीन लिए जाएंगे मतलब तुमको परसेंट का छूट मिल रहा है ना ओके okay, ओके okay, ये सारे छोड़ दो अभी दिया ना तुमको अब तुम कंप्यूट करते बैठो कि हमें सरचार्ज के साथ में ज्यादा टैक्स आ रहा है या बिना सरचार्ज के ज्यादा टैक्स आ रहा है एक क्वेश्चन वो यही घुसाड़ेगा एडवाइस योर क्लाइंट वॉट शुड ही डू शुड ही ऑप्ट फॉर दी न्यू स्कीम और नो करते है, किसी किसी को फायदा होता है किसी को नहीं होता है। मैं अगर पीपीएफ भरता ही नहीं था एग्जाम्पल तो मेरे को फायदा ही है ना नहीं स्कीम में फ्रूट वूट है इतवार जाऊंगा तो, तो लेके आऊंगा पता ही नहीं था तो, तो फायदा हुआ ना जो लेता था बेनिफिट उसका नुकसान हो जाएगा अगर लिया तो ऐसा सबके लिए अलग अलग है क्या होता था ना इनकम टैक्स एक्ट आई 1961 में इनकम टैक्स वाला आके बोला कि दोस्तों अगर आपने कमाई की है तो हम आपसे टैक्स लेंगे कोई दिक्कत आपको उसके बदले में हम आपको सड़क देंगे गड्ढे वाले पानी देंगे प्रदूषित हॉस्पिटल देंगे फूल वाले फूल वाले नहीं फूल वाले आपको दवाया देंगे डबल प्राइस में आपको ये सारे बेनिफिट भी तो हम दे रहे हैं ना हम गवर्नमेंट हैं तो हम चाहते हैं कि आप जितना कमाई करते हो उसका कुछ हिस्सा 40-50 टक्का छोटा सा हिस्सा आप हमको दे दो उसके बदले में हम आपको सर्विसेज दें एक आदमी था उसने बोला एक बार क्या बोले वापस बोलना इनकम टैक्स बोलता है आप जितना कमाई करोगे उसका कुछ हिस्सा मेरे को दे देना आदमी बोलता है एक बार वापस बोलना बावड़ी पूछ बोला ना भाई जितनी कमाई करेगा उसका कुछ हिस्सा मेरे को दे देना उस इंसान ने क्या किया एक कंपनी में खूब प्रॉफिट बताया उसी की दूसरी कंपनी में खूब लॉस बताया जब इनकम टैक्स वाला आया जैसे दरवाजा खोला बाहर बैठा था आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर टैक्स वो आदमी बोलता है एक तूने क्या बोला था कमाई होगी तो कुछ हिस्सा दे देना मेरी इतनी कमाई हुई तो इतना लॉस भी तो हुआ दोनों को मर्ज कर देते तो नेट तो जीरो आ गया चलो तो अब तो टैक्स नहीं दे सकता मैं सॉरी इनकम टैक्स वाला बोला बात तो सही है बोला तो मैं नहीं था कि कमाई का कुछ हिस्सा दे देना कमाई हुई लेकिन साला लॉस भी तो हुआ तो जाने अगले साल फिर वो आदमी आया प्रॉफिट डबल तो मर्ज किया तो साला टैक्स सॉरी बोले टैक्स तो नहीं मिलेगा जैसे जैसे वो इंसान 100 100 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा रहा था 1980 में इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर के में चमक रहे थे। आए लेक, आए अपना होगा मेहनत होगी मजा आ रहा था। लेकिन जैसे वो इकतीस मार्च को उसके घर पे पहुंचता था अरे सर बोले लॉस पे तो हुआ ना मर्ज कर दो लॉस टैक्स तो नहीं मिलेगा आपको इनकम टैक्स वालों बोले ये, क्या ऐसे से तो मेरे को कभी कमाई नहीं होगी अब वो कंपनी जिसमें लॉस कर रहा था हाउ वुड आई नो कि वो कंपनी सच में है या फेक है, है? आर ओसी क्या आरोसी? हाँ, वो तो आरोसी तो बाद में आया दे 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 दे। अरे सेबी तो बिचारे हर्षद मेहता ने लाया भाई साहब <laughs> सेबी आया कब 1992 में स्कैम हुआ कब 1992 में उसके बाद में तो सेबी बीच में आया समझ में आ रहा है सभी में आना तो पड़ेगा अपने को एक बॉडी बनाएंगे क्या नाम रखते सेबी नाम रख लेते पहले तक आरबीआई सब काम करता था अरे तू मस्त दिख रहा तू टेंशन मत ले वो इंसान और कोई नहीं था धीरू भाई अम्बानी था धीरू मतलब तेरे को पहचान तक है तेरे को तू हाँ ऐसे मतलब क्या है सभी काम करते है तेरे पापा कहते सही में टैक्स भरते क्या अरे एडवांस टैक्स पर तो सबको ही करना पड़ता है कैश में नहीं लेते कुछ पैसा सब बैंक में लेते क्या कैश में लेते ना जो कैश में लेता ना एक झापड़े मारूंगा अगर किसने बोला कि वो सही टैक्स भरता है तो।, <laughs> तो ये जब किया ना गवर्नमेंट ने धीरू भाई अम्बानी ने तब इसको समझ में आया एक बार धीरू भाई अम्बानी ने, ने अपने स्पीच में बोला था वी आर हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट मेकिंग बट जीरो टैक्स पेइंग कंपनी तो अब सालों इनकम टैक्स वाले को समझा कि ये तो गलत हो गया भाई साहब तो वो मैट हो गया तो इनकम टैक्स वाला मैट हो गया तो उसने मैट लाया मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट वाला बोलता है मेरे को तेरे प्रॉफिट से मतलब नहीं है तेरे टर्नओवर से मतलब है मैं सीधा तेरे टर्नओवर पे एक परसेंटेज ठोकूंगा उतना टैक्स भर देना टर्नओवर पे बोले तूने तो पहले कितना कितना झूठा रे तू चोटा तूने पहले क्या बोला था कमाई होगी तो थोड़ा सा हिस्सा देना हाँ वो भूल जाओ रात गए बात गए तेरे टर्नओवर पे मैं पैसा लूंगा दैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स प्रॉफिट गया चूल्हे में टर्नओवर पे टैक्स लूंगा मैं तो आई बात चल ना 115 बैब में आपको मैट भी नहीं लगेगा मतलब उसके प्रोविजन भी आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे फायदा हो गया आपका मतलब आपने लॉस भी दिखाया तो भी आपको मैट के हिसाब से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मैट इज वॉट हाँ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इसका प्रोविजन मतलब तुमको समझ नहीं रहा है ऐसा है कि तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो सपोज़ रुशिल लेकर रेस्टोरेंट में जाता है किसी का वेट कर रहा है कि कोई आएगा फ़ोन करके बोला है उसको फ़ोन करके बोला हुआ है उसको कि आ जाना भाई अभी उसने ऐसा जगह चाहिए था जहाँ बहुत देर तक बैठ सक बैठ सके बाकी रेस्टोरेंट तो क्या है हो गया क्या खाना चल रहा छोटू टेबल वेबल साफ कर मतलब वो इंटीमेशन दे रहा है उठ भाई हो गया तेरा खा के तो उसने ऐसा स्ट्रैटेजिकली एक प्लेस डिसाइड किया जिसका नाम था सी सी डी बोले वाह कितने भी देर बैठने का उठाते नहीं वो लोग एस ईसवी की पॉलिसी दे नेवर आस्क यू टू लीव हैं तो घर वही बन जा सुबह झाड़ू पोछे से लेकर रात के, के शर पर गिरा वही बैठा रहना साले को तू को कहीं बुला ना तो मैं दूसरी जगह बता दूंगा ना वहां पे भी तू आधा घंटे एक घंटे तक बैठ सकता है कोई टेंशन नहीं <सवाँगा> तो इसने क्या सोचा कि मैं उसको वहां बुला लेता हूं सीसीडी में एग्जाम्पल लेते हैं अभी सीसीडी में अज्यूम करना कि सब कुछ मिलता है खाने पीने का क्योंकि मैं एग्जाम्पल पापड़ बोलने वाला हूं तो हूँ तभी सीसीडी में पापड़ का एग्जाम्पल चल रहा है कॉन्सेप्ट समझना है सीसीडी में बुलाया अब इसको मालूम है अपनी जाने की लायकत है नहीं क्योंकि जेब में पड़े पूरे तेरह रुपए और चिल्लर सिक्के में तो आधा पापड़ मंगाएंगे तीस रुपए का पापड़ है पंद्रह रुपए निकल जाएंगे अपना आधा पापड़ मंगा लेंगे तो वहां जाके बैठा छोटू आया बोले क्या लो बाद में बताता हूँ अभी आई एम वेटिंग फॉर सम्मान वो भी निकल गया पहले ऊपर से नीचे देखा उसको अच्छा ठीक है भाई स्वागत रहते आजकल लोगों के तो निकल गया फिर पंद्रह मिनट बाद आया तब तक जो आने वाला था थी आ चुका था थी दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं वो छोटू वापस आया बोले क्या लो पानी लेके आ जाओ बोले बिस्लरी या नॉर्मल बोले नॉर्मल बिस्लरी का अलग से चार्ज करेगा भाई पंद्रह रुपये और पानी के पंद्रह रुपये घर में इतना फ्री में पड़ा है तेरे को पंद्रह रुपए दूँ मैं पानी का ऐसा नहीं होता पानी लेके आ जा एक घंटे बाद आधा घंटा और हो गया बोले ऑर्डर कुछ एक पापड़।, एक पापड़ एक पापड़ एक पापड़ मसाला अलग से लाना मसाला पापड़ लेकिन मसाला अलग से लाना वो लाएगा तो नरम हो जाएगा ना तो जितना खाना इतना से उस पर एक टमाटर डाल के खा लेंगे तब तक और टाइम पास हो जाएगा ऐसे करके हम एक घंटे तक बैठे रहेंगे एक डेढ़ घंटे तक बैठे रहे सीसीडी में सामने वाला इंप्रेस हो गया हो गई जो भी था एक घंटा हम सी में बैठे ये इसके मजे हो गई पॉकेट फ्रेंडली काम हो गया सी वाला आके एक थोपटेगा बोले मिनिमम पाँच का बिल करना पड़ेगा आपको अरे ऐसा थोड़ी होता मेरे को इतनी सी बुक मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुर को इधर बैठना है ना मिनिमम 500 का बिल करना पड़ेगा मिनिमम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा अब 4000 का मंगाओ हमको फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप 40 रुपए का नहीं मंगा सकते

115 पंद्रह बैब ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास में ऑप्शन है याद रखना ओ साई राम एक बैब में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना जरूरी है सर हमको लेना है उसकी क्या कंडीशंस है सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को अप्लीकेबल है इसके अलावा कोई अदर एंटिटी टाइप्स को अप्लीकेबल नहीं है ऐसी कंपनी एक अक्टूबर 2019 के बाद बननी चाहिए पुरानी कंपनी को नहीं मिलेगा कंपनी चबी बननी चाहिए ऋषिल बोलता है सर ठीक है ना मेरी जैन ज्वेलर्स नाम से दुकान थी मैं उसका नाम बदल के नहीं ना मैं उसका नाम बदल के रुशिल जैन ज्वेलर्स कर लेता हूं नई कंपनी बन गई ऐसा नहीं होता the business of such companies are not formed by splitting up or reconstruction of the business already in existence पुरानी कंपनी, पुराना बिजनेस आपने restructure नहीं करना चाहिए new fresh कंपनी बननी चाहिए ऐसी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए ऑन और, और बिफोर 31 मार्च 2023 सर जरूरी नहीं कि कंपनी आज बने तो मैन्युफैक्चरिंग भी आज ही होगा अरे आज हमने कंपनी बनाई है हम कुछ देखेंगे समझेंगे मशीन लाएंगे उसके बाद चालू करेंगे लेकिन 2023 के पहले आपने अपनी कंपनी बना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना चाहिए कोई दिक्कत पक्का सर ऐसी कंपनी ने किसी प्रकार का भी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करना चाहिए सब पता चलता है उनको सब पता चलता है उनको क्योंकि तू तो हर जगह अपना जीएसटी नंबर देता है ना भाई साहब तेरा जीएसटी नंबर पैन कार्ड से लिंक है तेरा पैन कार्ड 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 आधार आधार से से लिंक लिंक है है और अंगूठे हर चीज की खबर है तूने एक नया फर्नीचर भी लिया तो इनकम टैक्स तक वो न्यूज पहुंच चुकी है बस एक शर्त है लेना इसमें पड़ेगा बैंक से इसीलिए तो बोलता है ना मोदी की कैश मत यूज करो कैश पता नहीं चलता ना उनको तूने मेरे को कैश में फीस दिया उसको क्या पता चलता तूने एक लाख दिया दस हजार दिया कि पांच सौ रुपए दिया बैंक में देगा तो रिफ्लेक्ट करेगा ना गूगल पे पे कि भाई तुमने इसके इंसान को दस हजार रुपए पैसे भरे इसीलिए तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई कैश यूज मत करो नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट सेकेंड हैंड मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ दोटल मशीन यूज बाई जाने दो अभी ये मत सोचो हम जब सेक्शन थर्टी फाइव ए डी पढ़ेंगे यहां पर साइड में लिख दो सेम एज सेक्शन थर्टी फाइव ए डी स्पेसिफाइड बिजनेस बस एक अपना जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना ये जब तुमको सिर्फ इनकम टैक्स समझना है तब थोड़ा अपने को स्लो चलना है बाद में अपन जो स्पीड पकड़ेंगे तुम खुद से आंसर देना शुरू कर जाओगे क्लियर है देख गुना किया ना तू फाउंडेशन पास करके अब भुगत द कंपनी डज नॉट क्लेम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस और एग्जाम्शंस और बेनिफिट सर आपको सेक्शन टेन डबल ए का बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा एस ई जेड एस ई जेड सर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी टू वन टू ए छोड़ना पड़ेगा सर आपको इन्वेस्टमेंट लिंक्ड अलावेंस अंडर सेक्शन 32 एडी छोड़ना पड़ेगा सर आपको अलावेंसेस अंडर सेक्शन 35 एडी अभी अभी लिखा 35 फाइव एडी अपन ने स्पेसिफाइड बिजनेस गदेड़ो तुमने देखो वही पे लिखा है अभी छोड़ना पड़ेगा सर 35 फाइव भी छोड़ना पड़ेगा सीसीसी इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट सॉरी ये इतने सारे सेक्शन है पीजीबीपी में पढ़ना है इसलिए नेक्स्ट चैप्टर पीजीबीपी चालू करूंगा ताकि सारे एक साथ तुम्हारे रिकॉल हो जाए इसके साथ में थर्टी फाइव सीसीडी भी छोड़ना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर ये कैसे लर्न होंगे अरे अभी अपन पूरे इनकम टैक्स को एक एज अ होल अभी पढ़ रहा है जबकि तुमको सेक्शन पता नहीं इसलिए तुमको दिक्कत जा रही है जब अपन सारे सेक्शन पढ़ लेंगे तब फर्स्ट मतलब आज से तीन महीने बाद जब वापस फर्स्ट चैप्टर पे आओगे तुमको अच्छा लगे हाँ थर्ट वेडी पढ़ा है बाई सी 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 पढ़ा है, हाँ थर्टी बाई वी पढ़ा हुआ है तब याद आएगी चीज है ठीक है आपको सारे डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए छोड़ना पड़ेगा एक्सेप्ट एट्टी डबल जे डबल ए वहां पर भी पढ़ा था याद है क्या उसको इंडिविजुअल को मिलता ही नहीं एटीसी टी सी वगैरह इंडिविजुअल कंपनी को सॉरी आई बात समझ में ऑप्शन बी ऑप्शन बी मतलब बी टाइप की कंपनी कौन सी थी बी टाइप की कंपनी 115 बा अगर आप 115 बा आपको लेना है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप 30 के जगह 22 टक्का टैक्स भरो मैट आपको तब भी नहीं लगाएंगे लेकिन सरचार्ज फिर भी 10 टक्का लेंगे ठीक है सर ये कौन सी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग थी बा में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कोई भी कंपनी लेकिन कंडीशन सेम ये ही कंडीशन बस फर्क क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मतलब एप्पल बा में आएगी एमेजॉन बा में आएगी एग्जाम्पल ले रहा फॉरिन कंपनी की बात नहीं करो अगर दूसरा चेंज करके बोलू तो फ्लिपकार्ट बा में आएगी फ्लिपकार्ट इंडियन है ना अभी उसको टेक ओवर कर लिया वॉलमार्ट ने बट बनाया तो बंसल जी ने थे ना सचिन बंसल बिनी गिनी बंसल बन, या बिनी बंसल उसका तो भी नाम है उन्होंने बनाया था वॉलमार्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया अभी तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या बाबा में जाएगा देन मैन्युफैक्चरिंग बा में आएगा कंडीशन दोनों का ये ब्लू टेबल कॉमन है ऊपर पंद्रह टक्का लग रहा था इधर बाईस टक्का लगेगा तीसरी ऐसी कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर सत्रह अठारह में टर्नओवर चार सौ करोड़ तक का ही था उसको इनकम टैक्स लगेगा खाली पच्चीस टक्के पे सरचार्ज फ्लैट नहीं लगा रहे हम तो मैट लगा रहे हम मैट आइडियली पंद्रह परसेंट पर लगता है मतलब कैसा होता है कितना आ रहा जीपी सिक्सटी लैक्स नहीं रे सिक्सटी कैसे आ रहा हूँ अरे डेढ़ सौ माइनस अस्सी सत्तर लाख क्या कर रहा तू कौन सी अस्सी है जीपी आया फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट है बेसिकली ये फिर नीचे आऊँगा पी एन एल में कैरी फॉरवर्ड कितना था वो सेवेंटी लैक्स एक्सपेंसेस कुछ करूँगा खर्चे इधर जाते ना एक्सपेंसेस किए मैंने पचास लाख के फिर और एडिशनल एक्सपेंसेस किए दस लाख के तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया yes, तो आइडियल में टैक्स किस पे पे करूँगा दस लाख पे तो मैं दस लाख का कितना पे करूंगा थर्टी परसेंट विच इज इक्वल टू थ्री लाख रुपीस इतना मेरा टैक्स आएगा ऐसा आता था बट दिक्कत है यहाँ पे कंपनी मैट भी लाएगी मैट बोलता है आपका टर्नओवर कितना था बेटा सर मेरा टर्नओवर तो सौ लाख का था हाँ तो बेटा सौ लाख का पंद्रह परसेंट करो मैट का पंद्रह लाख तो पंद्रह लाख आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा आप कितने देने की बात कर रहे थे नहीं चलेगा आपको पंद्रह लाख पे करना पड़ेगा यही तो मैट है ताकि तू ये फालतू के जो खर्चे हैं ना ये अननेसेसरी ना डाले प्रॉफिट नहीं होगा अपने को नहीं पता नहीं ये सही में पचास लाख का था या दो ही लाख का था उसने पूछ के चोटे ने पचास लाख करवाया क्या वो को नहीं समझा ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट आज जाके ईशा से समझना पहले जो बेसिक्स है ना दिस इज मैट आई बात समझ में सरचार्ज आपको लगेगा एक करोड़ से दस करोड़ तक सात परसेंट दस मोर देन टेन करोड़ बारह परसेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस में एक चीज छोड़ दी शायद मैंने गलती से फॉरेन कंपनी चालीस टक्का फ्लैट सेकंड सरचार्ज इनकम अगर एक करोड़ से लेकर दस करोड़ तक का है दो परसेंट और दस सर ये कितना जुल्म हो रहा है समझ रहा है आपको इंडियन कंपनी से सरचार्ज कम ले रहे हो ज्यादा ले रहे हो और फॉरेन कंपनी से सरचार्ज कम ले रहे हो कौन सा दस का इंडियन कंपनी बोलेंगी ऐसा क्या गुना किया जो लूट गए लूटे इसके लिए क्योंकि गधेड़ो पहले तुम ऑलरेडी उससे चालीस परसेंट ले रहे हो ना जबकि इंडिया से तो खाली तीस ही टक्का ले रहे हो दस परसेंट ज़्यादा भी तो ले रहे हो ना तो थोड़ा बेनिफिट दे दिया तो तुमको इतनी अंगार क्यों लग रही है भाई दूसरे का फायदे में तुम्हारा क्या नुकसान है बात समझ में सेम केस अपलीकेबल टू पार्टनरशिप फॉर्म सर पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर प्रॉफिट कमाया तीस टक्का फ्लैट 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 थर्टी परसेंट फ्लैट टैक्स सर सरचार्ज कितना अगर एक करोड़ से कमाई बढ़ी तो बारह परसेंट का सरचार्ज खत्म आई बात सेवन में सब कुछ पूरा टैक्स निकालना और हर जगह पे वो इंडिविजुअल हो फर्म होच हो कुछ भी हो आखिरी में सेस लगाने का एट द रेट ऑफ फोर परसेंट सेस सेस एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो टैक्स पर लगेगा मतलब बेसिक मतलब बेसिकली तुमने आज की जो आंसर्स दिए ना टैक्स इस पर प्लस फोर परसेंट सेस प्लस फोर परसेंट सेस प्लस फोर परसेंट सेस प्लस फोर परसेंट सेस नील पे तो लगेगा नहीं प्लस फोर परसेंट बट जो भी हो फोर परसेंट एड करना सबको कंपलसरी है इनडायरेक्ट टैक्स यही बात सवाल कोई दिक्कत एक लास्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिन रिलीफ का लेकिन आज नहीं लूंगा नहीं तो आज तुम उड़ जाओगे तो तुम्हारे प्रैक्टिस में लिख देना namlik nam je večjev, rušil je večjev. एक नाइन्थ नंबर भी लिखना है बाद में करना है क्या तेरे को वही तो, तो तुमको सोचना है कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। स्कैम वाले को कुछ नहीं करना पड़ता पकड़ में आए तो गुनेगार को देना पड़ता वो स्कैम वाला हो या नहीं हो क्लियर है कुछ क्वेश्चन नहीं समझा और बताना है कि किस में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है न्यू, न्यू, वो तो उसमें भी था ओल्ड में भी देखेगी तो मैट तो पहले भी था उनको सी और डी में क्या मैट नहीं है क्या ओल्ड और न्यू में कोई फर्क नहीं है ओल्ड और न्यू में तो सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज को बेनिफिट है सबको थोड़ी मिला है आपकी कंपनी उसमें फॉलो होनी चाहिए तो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना अभी समझ में डन चलो कल सेम टाइम तीन बजे होमवर्क याद से करके आना